टैलेंटेड एक्टर विकी कौशल की फिल्म भूत आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कई दिनों से फिल्म के रिलीज ट्रेलर से दर्शकों में डर बना हुआ था और अब फिल्म के रिलीज के बाद विकी कौशल ने सच में सबको थिएटर में डरा दिया है। भूत को लेकर कई तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं, जहां व्यूअर्स का मानना है कि फिल्म में वाकई डर वाला फैक्टर है। इस फिल्म में विकी सी बर्ड शिप पर सर्विंग ऑफिसर बने हैं, जिनके किरदार का नाम पृथ्वी है। उसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसे एक ऐसे शिप का चार्ज दिया जाता है जो एक हॉन्टेड शिप है। इस शिप की भी अपनी कहानी है, जो अचानक से एक दिन समुद्र के किनारे बिना किसी क्रू मेंबर्स के अपने आप पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस जहाज के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता है। और इसके बाद शुरू होता है डर का गेम। जांच पड़ताल के लिए पृथ्वी जब इस जहाज पर आता है तो उसे कुछ अजीबोगरीब अनुभव होते हैं और पृथ्वी को पता चलता है कि सीबर्ड नाम का ये जहाज एक अरसे से हॉन्टेड है। उसे जहाज में किसी साए के होने का आभास भी होता है। वो जब इस भूतहा कहे जाने वाले जहाज की जांच पड़ताल करता है तो कई राज खुलते जाते हैं, जो बहुत ही भयावह सच को उजागर करते हैं। इसी पड़ताल में पृथ्वी की निजी जिंदगी का दुखद पहलू भी सामने आता है। निर्देशक भानु प्रताप सिंह की ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जब सालों पहले एक बहुत बड़ा सा पानी का जहाज बिना किसी इंसान के अचानक समुद्र के किनारे आ खड़ा हुआ था। फिल्म की शुरुआत से ही दर्शकों में डर पैदा हो जाता है और कई बार डर से थिएटर में चीख भी निकल जाती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, डर का माहौल अपनी पकड़ नहीं बना पाता है। फिल्म के कुछ दृश्य अच्छे खासे डरावने हैं, मगर उनमें नयापन का अभाव है। कई बार भूत का मेकअप डराने के बजाय फनी लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ने डर को बढ़ाने में अच्छा साथ दिया है। वहीं फिल्म के आखिर में निर्देशक पार्ट 2 बनाने का इशारा भी दे जाते हैं। मेहमान कलाकार के रूप में भूमि पेडनेकर का किरदार भी सराहनीय है, लेकिन आशुतोष राणा के किरदार को सही तरीके से विकसित नहीं किया गया है। इसके अलावा विकी कौशल का अभिनय बहुत शानदार है और इस फिल्म को विकी कौशल की बेस्ट डार्क फिल्म कह रहे हैं और इस फिल्म को विकी कौशल की बेस्ट डार्क फिल्म कहा जा रहा है।